बाचा का संदूक था उसमें क्या क्या था, क्या क्या था बाचा? बाचा के संदूक के अंदर तीन चीजें थी, 10 आज्ञाएं, दूसरा हारून का जो रॉड था उसकी लाठी थी, और तीसरा मन्ना का एक कटोरा था जिसमें मन्ना भरपूर था। तो तीन चीजें थी जो उस बाचा के संदूक के अंदर थी, और इन तीन चीजों के द्वारा हम जानेंगे कि प्रभु की हजूरी जब हमारी लाइफ में उतरती है तो क्या क्या होता है। सबसे पहला 10 आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं लिखी हुई हैं, तुम्हें चोरी नहीं करनी, तुम्हें व्यभिचार नहीं करना, माता पिता का आदर, तुम प्रभु को छोड़ किसी और चीज के आगे दंडवत नहीं करना, तो ये सारी आज्ञाएं लिखी हैं। तो जब प्रभु की हजूरी आपके जीवन में उतरती है, आपका चाल चलन, आपका जीवन प्रभु के वचन पर आधारित हो जाता है। जब प्रभु की हजूरी आपके जीवन में उतरती है, फिर आप अपने अनुसार नहीं, फिर आप प्रभु के मार्ग और प्रभु की दिशा की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। आपका जीवन वचन और वचन की आज्ञाओं पर आधारित हो जाता है। पहला यूहन्ना 2, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जब आप के अंदर प्रभु की हजूरी ठहर जाती है, फिर शारीरिक अभिलाषाएं जो आपको संसार की तरफ खींच रही है आपकी लाइफ में खत्म होती है। वो लोग आकर्षित कर रहे हैं, वो जॉब आकर्षित कर रही है, वो पैसा आकर्षित कर रहा है, वो बंगला आकर्षित कर रहा है, वो गाड़ी आकर्षित कर रही है, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, मैं थोड़ी किसी के चलाए चलूंगा, मैं तो अपने मुताबिक चलूंगा, मेरा तो ऐसे चलना है, मुझे तो ये करना है। वो सारी चीजें जब प्रभु की हजूरी आती है, वो आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, उसका प्रभाव आपकी लाइफ से टूटता है और प्रभु का प्रेम आपके जीवन में एंटर करता है। अब आप अपने अनुसार नहीं, जैसे पौलुस कहता है, अब मुझ में मैं जीवित नहीं हूं, मैं तो मसीह के साथ सलीब पे लटकाया गया, अब मुझ में मैं नहीं, अब मुझ में मसीह जीवित है। शरीर की चीजें नाशवान है, वो खत्म हो जाएंगी, पर जो प्रभु की है, जो प्रभु की दिशा में है, वो सर्वदा और सर्वदा बनी रहेंगी। लोग प्रभु को छोड़ के ये शारीरिक चीजों के पीछे हैं, ये सब खत्म होने वाला है, ये सब उनको धोखा देने वाला है। अभिषेक को छोड़ के जो नमान के धन को आज जिन्होंने धारण कर लिया है, वो कोड़ कमाने वाले, प्रभु की चीजों से समझौता नहीं, मन खींच रहा है वो नहीं, प्रभु की दिशा, प्रभु की हजूरी जब ठहरती है आपकी लाइफ में गहरी जड़ें पकड़ लेती हैं। ये वचन की बातें जो आप सुन रहे हो, आपके जीवन में आप ध्यान लगा रहे हो, ये जड़ें पकड़ रही हैं, आपकी नर्व्स में जा रही हैं, आपके ईमान में जा रही है, अंदर आपकी टांगों में, पैरों में, आपके सोच में जा रही है, फिर हाथ इधर जाना चाहता है, इधर नहीं जाता, वो आगे की ओर प्रभु की दिशा में जाता है। क्यों? वचन उंडेल दिया गया है। हालेलुया। दूसरा, हारून की लाठी थी, ये हारून की लाठी क्या है, क्या नहीं, क्या हुआ था इसके साथ, पढ़ेंगे तो समझेंगे। अलग अलग छड़ियां ये लगाई गई हैं, और प्रभु ने कहा जिस पुरुष को मैं चुनूंगा, मतलब काफी सारे पुरुष थे और प्रभु ने चुनाव करना था। मूसा ने कहा प्रभु किसको चुनूं, प्रभु ने कहा ये छड़ियां रख दे, और जिसको मैं चुनूंगा उसकी जो छड़ी है वो पनपने लगेगी। पेड़ से जब आप जाते हो, आप एक डाली को काट देते हो, एक छड़ी को काट देते हो, क्या होता है, उसको बाहर धूप में रखते हो, वो क्या होता है, फल आने लगती है या पत्ते निकलने लगते हैं, सूख जाती है। जो नेचुरल चीज है, अगर एक डाली को काट के बाहर रख दोगे वो सूख जाएगी, वो पनपेगी नहीं, वो सूख जाएगी। पढ़ो आगे, गिनती 17 उसका 5 से। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पात्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पात्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी, फूल भी फूले और पक्के बादाम भी लगे हैं। और क्या लिखा है, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फले। समझ रहे हो, कौन सा फूल फलने वाला है, काट के दिखाओ कोई, वो सूखेगी, और यहाँ पे वो सूखी हुई डाली में से फूल निकल रहे हैं। और क्या लिखा है आगे, और उसमें पक्के बादाम भी लगे, सूखी डाली में पक्के, क्या आप कच्चे भी नहीं सोच सकते, और यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, पक्के बादाम आ निकले। तो ये छड़ी जो हारून की थी, ये उस वाचा के संदूक में थी,
जब वाचा का संदूक आपके जीवन में ठहरता है, प्रभु की हजूरी आपके जीवन में ठहरती है, ये हारून की छड़ी आपके जीवन में आती है, फिर हर मुरझाए हुए जीवन पनपते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। फिर वो छड़ियां जो ठुकराई हुई थी, जो फेंकी गई थी, जो कोई फल नहीं लेके आ रही, मैं बोल रहा हूं ठुकराए गए हो आप, निकाल दिए गए हो, कोई फल नहीं, जब प्रभु की हजूरी आज ठहरेगी, इन्हीं सुखदाई डालियों में से परमेश्वर फलों को पैदा करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम से, जब प्रभु की हजूरी उतरेगी। ऑल राइट, तीसरा मन्ना क्या था? जब रेगिस्तान में से वो निकल रहे थे, रेगिस्तान में कौन कौन से फल लगे हुए हैं, कौन से पेड़ लगे हुए हैं, पर वहां पर भी आसमान से खाने के लिए मन्ना गिरता था, और वो रोज इकट्ठा करते थे और रोज मन्ना प्रभु रेगिस्तान में उन्हें खिलाता था। 20 लाख की भीड़ थी पर रोज वो खाती थी, क्या प्रभु उन्हें खिलाता था। तो जब प्रभु की हजूरी आपके जीवन पे ठहरती है, वाचा का संदूक जब ठहरता है, उसका जो मन्ना ठहरता है, आप प्रतिदिन परमेश्वर की भरपूरी को, प्रभु की बहुतायत को अपने जीवन में अनुभव करते हो। उसके धर्म और राज्य की खोज कर, बाकी की सारी वस्तुएं तुझे तेरे पीछे आके मिलेंगी। वो धर्म राज्य क्या है? प्रभु की हजूरी। जब वो उतरती है तो ये चीजें अपने आप आकर्षित होते हैं। वो स्वर्ग में मन्ना लेने के लिए नहीं जाते थे, स्वर्ग से मन्ना उनके लिए आता था। जब प्रभु की हजूरी उतरती है, मन्ना अपने आप आएगा यीशु के सामर्थी नाम से। एलिया कहता है, जिस प्रभु की हजूरी में मैं सर्वदा खड़ा होता हूं, कौए अपने आप उसके लिए लेके आ रहे थे। प्रभु की हजूरी आपको मुहैया कराती। सबसे पहले हमने बात करी कि सही दिशा कैसे चलना है, अपने आप प्रभु की हजूरी करती है तो मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तो हम अपने आप सीधे रास्ते पे हो लेते हैं। दूसरा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। वो सूखी जो डाली थी, इसमें सारी आशाएं खत्म थी, उसके अंदर दोबारा आनंद लौटा, दोबारा पनपने लगी, दोबारा खिलने लगी। तीसरा, तेरे दाहिने हाथ से सुख सर्वदा बना रहेगा। ये सारी चीजें जिनकी हमें जरूरत है वो सर्वदा बनी रहेंगी। मन्ना रोज आता था, कभी उनको भूखे नहीं रहे वो। प्रभु गए, आज स्वर्ग के भंडार में मन्ना खत्म हो गया, आज खाना नहीं मिलेगा, कभी ऐसा हुआ? प्रतिदिन रोज बाइबल बयान करती है वो मन्ना में से खाते थे। तो क्या है, तुम्हारा सुख सर्वदा बना, डेली प्रतिदिन वो आपको मुहैया कराएगा। आपके जीवनों से भी बढ़ के उत्तम उसकी करुणा है। अब जीवन की बात हो रही है, जीवन को क्या चाहिए, क्या जरूरत है, क्या है, सब जीवन में आ गया आपके, और उससे भी बढ़ के प्रभु की करुणा है। अब समझ रहे हो, आपके डिजायर से, आपकी इच्छा से बढ़ के प्रभु की करुणा है। इतना आप लेना नहीं चाहते जितना प्रभु आपको देना चाहता है। आप समझ रहे हो, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं आपसे। राइट चीजों के लिए आपकी इतनी इच्छा और डिजायर नहीं है जितनी परमेश्वर की इच्छा और डिजायर है आपको देने की, आपके जीवन में उंडेलने की, क्योंकि प्रभु की करुणा जीवन से भी उत्तम है, बढ़के है। और प्रभु चाहता है कि आपकी खोज सही हो, गलत वस्तुओं के लिए, गलत चीजों के लिए नहीं, आपकी खोज सही हो, उसको ढूंढना है, संसार को नहीं, प्रभु को। वो जो जगह पड़ी है वो संसारिक चीजों के लिए नहीं है, वो प्रभु की हजूरी की है। वाचा का संदूक, दस आज्ञाएं, हारून की लाठी और मन्ना। आमेन।